अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह साहब। सर ठीक ठाक है सर। मेरा ये क्वेश्चन है कि आप जो से ना जल्द से जल्द जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है उसके मुताबिक आप करें, हम इंशाल्लाह आपके साथ इस चीज को डिले ना करें। जी सर, डिले ना करें। इस चीज का डिले बस इस चीज का है, कुछ लीगल चीजें हैं उनको कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे ही वो हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लोगों के सामने हर चीज रख देंगे। ठीक है, तो वो कितनी देर तक हो जाएगा? आप 2-3 हफ्ते या महीना लग जाएगा? मेरे ख्याल में 10-15 दिन 20 दिन का काम है। जैसे ही वो लीगल टीम में जाके उन लोगों से मिलेंगी, आपस में बैठ के टेबल टॉक होगी, जो हमारा रास्ता बेहतर होगा हमारे लिए, जो हम रास्ता सिलेक्ट करेंगे, जो फिजिबिलिटी बनाएंगे, जो आप लोगों के लिए भी बेहतर हो और हमारे लिए भी बेहतर हो, वो जैसे ही बन जाएगी आपके सामने आ जाएगी। ठीक है सर, हम इसी इसका वेट कर रहे हैं, तो आप इंशाल्लाह ये करें, हम आपके साथ हैं। बस मेरा ये बहुत शुक्रिया। अगला सवाल ले लेंगे। अनीस साहब को जेल हो जाएगी, अनीस साहब जेल में चले जाएंगे, उसके बाद आप लोगों को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सरासर गलत तरीका है और सरासर आप लोगों को गलत लाइन पर उकसाते हैं। मेरा मकसद आप लोगों के साथ गुफ्तगू करने का ये है कि आपके साथ टेबल टॉक करें, टेबल टॉक करने के बाद अपने मामलात को आपस के अंदर तय कर लें, ताकि ना आप लोगों का नुकसान हो ना हमारा नुकसान हो। 7 महीने आप लोगों ने नुकसान किया, मजीद आप नुकसान ना करें। जो नुकसान हो गया उस नुकसान को पसे पर्दा रखकर अपने उन हालात की तरफ चलें जो आपके लिए भी बेहतर है और मेरे लिए भी बेहतर है। कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपको ये बातें अब क्यों याद आई है, पहले क्यों नहीं याद आई थी? तो पहले इसलिए नहीं याद आई, अगर याद आई भी थी तो आप लोगों से गुफ्तगू करने की कोशिश भी की, तो आप लोगों के अंदर नेगेटिविटी का ये लेवल था, आप लोग उन लोगों के पीछे इस तरह लगे हुए थे, एहतजाज करने पर, गिरफ्तारी करने पर, फांसी देने पर इस तरह तुले हुए थे कि आप लोग हमारी बात सुनकर राजी नहीं थे, ना मेरी और ना मेरी टीमों की। इस वजह से मैंने एक आखिरी वीडियो पैगाम बनाया और वीडियो पैगाम के अंदर ये कहा कि इंशाल्लाह एक ना एक दिन हम मार्केट के अंदर आएंगे, और उसके बाद मैंने टोटल मार्केट से रब्ता खत्म कर दिया। आज 1 साल गुजर जाने के बाद मैं आप लोगों के साथ फिर गुफ्तगू हूँ और मैं फिर चाहता हूँ कि हम टेबल टॉक पर आए। आज आप हमारी बात नहीं सुनेंगे। अगर आप लोगों के जहन के मुताबिक मेरी गिरफ्तारी होती है, 4 साल 5 साल 6 साल जेल काटने के बाद मेरे फिर यही अल्फाज होंगे कि हमारे साथ खड़े हों, हमारे साथ मामलात को तय करें, टेबल टॉक पर आए, ताकि आप लोगों का भी फायदा हो और हमारा भी फायदा हो। अगर मेरी गिरफ्तारी नहीं होती और आप मेरे इस बात को आज नहीं सुनते, तो 1 साल बाद फिर आप लोगों के सामने हम गुफ्तगू होगा कि खुदारा मेरे साथ टेबल टॉक करें, मामलात तय करें, ताकि आप लोगों का भी फायदा हो और मेरा भी फायदा हो और तमाम उन गरीब लोगों का फायदा हो जो लोग ना नैब के ऑफिस तक पहुंच सकते हैं, ना उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है कि वो अपने हक को वापस ले सके। दूसरे नंबर पे मार्केट के अंदर कुछ चीजें ऐसी गर्दिश कर रही हैं कि ये चीज मुमकिन ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। पहली तो बात ये है कि उन लोगों को ये बात किसने कही कि हम ये करने जा रहे हैं? जो हमने करना है, जो हमारी स्ट्रेटजी है, जो हमारी पॉलिसी है, हम अपने तमाम लीगल रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए फैसले करेंगे। हमें पता है कि हमने क्या फैसले कर लिए हैं। जिस दिन हम अपनी तमाम एक्टिविटीज, अपनी तमाम पॉलिसी आप लोगों के सामने रख दें, उसके बाद आप लोगों को हक है कि हमारी कौन सा फैसला गलत है, कौन सा सही है, उसके ऊपर गुफ्तगू करें। जब तक हम लोगों ने आप लोगों के सामने कोई पॉलिसी ही नहीं रखी, जब तक हम लोगों ने आप लोगों को ये ही नहीं बताया कि हमने किस तरह काम करना है, किस तरह हमने चलना है, आप लोगों को बताया नहीं, और अपनी तरफ से मनगढ़ंत आप अपने बयान जारी करते रहे और नेगेटिविटी मार्केट के अंदर बढ़ाते रहे, तो इसमें आप लोगों का कसूर है, मेरा कसूर नहीं है। मैं आप लोगों को एक अच्छे रस्ते पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, बजाय इसके कि उन शर्मसंद अनासिक लोगों के पीछे चलकर अपना भी नुकसान करें और मेरा भी करें। बेहतर यह है कि आप हमारे साथ खड़े हो जाए, ताकि देखिए पहली बात तो ये है कि मैंने अगर मार्केट के अंदर आना है तो मैंने आप लोगों को कुछ देना है, मैंने लेना तो नहीं है ना। अगर मार्केट के अंदर आने का बोल रहा हूं, अगर आप लोगों को ये कहता हूं मेरे मार्केट के अंदर आना है, तो उसका मकसद ये है कि आप लोगों के साथ मामला तय करने, आप लोगों के पैसों को वापस करना है। अगर आप लोगों के साथ मामला तय ना करते, आप लोगों के कैश की वापसी
कभी उससे मशवरा कर, कभी उससे कर, जब हमारे जब जब मुझे ग्रीन सिग्नल दिया गया तो मुझे कहा गया अनीस साहब आप अपनी मार्केट को पॉजिटिविटी की तरफ लेके आए, तब तक हम आपको पूरा शेड्यूल देते हैं कि आपने किस पॉलिसी के तहत चलना है। अभी भी हमारी गुफ्तगू डेली मेरी गुफ्तगू उठ के इस मौजू पर एक एक घंटा दो दो घंटा होती है और उसके ऊपर हम अपनी पॉलिसी तैयार कर रहे हैं। मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये 20-25 दिन के अंदर अंदर तमाम पॉलिसी आपके सामने रख देंगे। जी बिल्कुल ठीक हो गया सर, मैं उन इन्वेस्टर्स में से हूँ कि मेरी कुछ 14-15 लाख रुपए की अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट हुई हुई है और आज तक मेरे जो मैनेजर्स थे वो लोग बड़े अच्छे से मतलब वाकिफ हैं कि मैंने कोई वाकया होने के 5-6 माह बाद भी मुझे कहा जा रहा था कि आप जाएं और नैब में इस तरह मामला चल रहे हैं, नैब के मामला को देखें। मैं मतलब मुझे बिल्कुल उसकी तरफ जाने का टाइम नहीं भी नहीं मिला ऑब्वियसली अपने बिजनेसेस की वजह से। तो मेरी हम्बल सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोग इसको वाकईतन एक प्रैक्टिकल वे में लेके आना चाह रहे हैं और एक चीज़ आप सामने लाएंगे जिसके नतायज आएंगे, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप लोग फोकस्ड रहें, आप लोग नेगेटिविटीज़ को इग्नोर करते हुए जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं उनको सर उनका काम करने दीजिए, आप लोग अपना काम कीजिए और आप किसी को भी पकड़ के उसका मुंह नहीं बंद करवा सकते। आप लोग अपनी एफर्ट्स जारी रखिए, रिजल्ट्स जो है ना वो अल्लाह की ज़ात ने देने हैं, बंदों ने नहीं देने। आपकी मेहनत, आपके जो लाहे अमल है, जो भी चीज़ें आप करेंगे उसके कोई ना कोई नतीजे देखें। अगर नेगेटिव जो अवामिल हैं, अनासिर हैं, वो लोग भी अपनी जान मार लें, आप लोग भी अपनी जान मार लें, तो उन लोगों की हरकतों कैसे सर उसके अंदर हमारा नेगेटिविटी के ऊपर जोर पता किस वजह से है? जोर इस वजह से है कि इन लोगों का जहन बनाया कि सिर्फ और सिर्फ अनीस साहब को फांसी दिलवानी है, अनीस साहब को गिरफ्तार करवाना है। हमारा मकसद ये है कि क्योंकि इस चीज के अंदर हमारा ये चीज शामिल है हमारी कि जितनी भी दरखास्तें हैं इन लोगों को हमने टेबल टॉक पर बिठाना है, क्योंकि मेरा इन लोगों की वजह से इदारों के साथ मामला खराब है। इन इतनी दरखास्तें जाने के बाद हमारा मकसद ये है इन लोगों को हमारी लीगल टीम और मोतबर इदारे और हम इसको दरमियान में बिठा कर टेबल टॉक पर लाए, ये लोग वहां पर बैठ के हमारी पॉलिसी को देखें और सुने, उसके बाद इनको अगर समझ आता है कि हमारी पॉलिसी ठीक है और इदारे भी हमारा कहें कि ये काम करने चाहते हैं और ये इस तरीके से काम कर सकते हैं, अगर वो इस चीज की हामी भर दें तो ये लोग हमारे साथ कोऑपरेट करें और मामलात को तय करके दरखास्तें वापस उठाएं और हमें मार्केट में इन कर दें। ये एक इनका मेन किरदार भी है जिस वजह से हम नेगेटिविटी पर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि इसको खत्म किया जाए। जी चलें सर, अल्लाह आपका हामी नासिर हो, मेरी दिल से बहुत शुक्रिया।